Technical Salmon. सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के एंड्रॉयड 11 फन टच ओएस 11 के अपडेट के न्यू फीचर्स के रिव्यू के बारे में। हाँ जी दोस्तों, न्यू फीचर्स के रिव्यू, फुल रिव्यू करके आज आप लोग को बताने वाला हूँ इसमें क्या चेंज है क्या नहीं चेंज है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूँ। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 11 के न्यू फीचर्स के बारे में। आज आप लोग को बताऊँगा इसमें क्या चीज़ चेंजिंग है क्या नहीं चेंजिंग है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग को फन टच ओवेज का कुछ लोगो यहाँ पे दिख रहा है। फन टच ओएस का कुछ इस तरह से एंड्रॉयड 11 में देखने को मिलेगा यहाँ पे ऊपर फर्स्ट नंबर पे। और नीचे चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो आप लोग को चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है अल्ट्रा, तो यहाँ पे जो कि सिक्रेटरी, यहाँ पे आई मैनेजर देखने को मिल जाता है, कुछ बेटर देखने को मिल जाएगा आप लोग को, थंबनेल पे दिख गया होगा। और यहाँ पर जो कि आप लोग को दिख रहा नीचे मिल जाता है कैलकुलेटर, यहाँ पे जो कि घड़ी आप लोग को देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता। तो फीचर्स इसको यहाँ पे फिक्स किया गया बेटर एंड्रॉयड 11 में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। और नीचे चलते हैं इसको डाउन करके, तो यहाँ पे आप लोग को आइकन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से, जो कि थीम्स होगा इसका एंड्रॉयड 11 का, देखने में भी बेटर लगेगा। और जो कि आप लोग को दिख रहा होगा मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड 11 का थीम्स सेट है, तो आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता पावरफुल। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता। आइकन यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है। तो ये जो कि वीवो का B20 में देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 का अपडेट, उसमें फीचर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और नीचे चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इनकमिंग कॉल का आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ये फीचर यहाँ पे फिक्स किया गया है। और नीचे चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा लाइव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हेलो। तो दोस्तों, इसको लाइव किया गया यहाँ पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लाइव होगा यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसमें तीन तरीके का देखने को मिलेगा आपको, तीन कलर का यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हेलो, तो कुछ तीन कलर का होगा। इस पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइव आपका नाम होगा यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से। इस फीचर को ऐड किया गया एंड्रॉयड 11 में। और नीचे चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन पैनल में, जो कि आप लोग को कुछ इस तरह से चेंजिंग देखने को मिलेगा आप लोग को दिख रहा है। और यहाँ पे जो भी होम देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बेटर यहाँ पे फिक्स किया गया एंड्रॉयड 11 में आप लोग को दिख रहा हेलो, जो भी यहाँ पे दिया गया आप लोग को दिख रहा, आप लोग भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन, तो स्मार्ट होगा दोस्तों यहाँ पे, आप बेटर होगा यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो नीचे चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे एल्बम में देखने को मिल जाता है, एल्बम आई है इमेज यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, यहाँ पे HD यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको बैकग्राउंड यहाँ पर कुछ दिया है आप लोग को, पढ़ सकते हैं फ्रॉम टेस्ट बैकग्राउंड, यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। गैलरी न्यू फीचर्स यहाँ पे, जो कि गैलरी में न्यू फीचर्स यहाँ पे ऐड किया जाएगा एल्बम में, जो कि अपना फ़ोटो अच्छे से यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं इसमें, और बेटर यहाँ पे यह चेंजिंग दिया जाएगा एंड्रॉयड 11 में एल्बम में। तो एंड्रॉयड 11 का जब अपडेट आएगा सभी फ़ोन में, तो उसमें आप लोग को कुछ इस तरह से फीचर्स देखने को मिलेंगे आप लोग को, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जैसे। और नीचे चलते हैं यहाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है एल्बम, कुछ वीडियो एडिट करते हैं आप लोग, यहाँ पे वीडियो एडिट कर सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो वीडियो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फोटो वीडियो छोटा बना सकते हैं टिकटॉक के लिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है।
और नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे आई मैनेजर को और भी बेटर सिक्योरिटी शोन किया गया। आप लोगों को दिख रहा है सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे एंड्रॉयड 11 में आप लोग भी पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आई मैनेजर को भी चेंज किया गया, इम्प्रूव किया गया है। और चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप लोग को थीम्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन शॉट का मिल जाता है। आप लोग को अलग अलग तरीके का यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिल जाता है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा है। और नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा गेम मोड। यहाँ पे अल्ट्रा गेम मोड को और भी बेटर यहाँ पे फिक्स किया गया है। और नीचे देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड कोल्ड एंड अल्ट्रा गेम मोड। तो दोस्तों अल्ट्रा गेम मोड को और भी बेटर यहाँ पे ऐड किया गया है एंड्रॉयड 11 में, जो कि देखने में भी बेटर लग रहा है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको चेंज किया गया है एंड्रॉयड 11 में। तो दोस्तों ये था एंड्रॉयड 11 के न्यू फीचर्स के रिव्यू के बारे में यहाँ पे, जो कि मैं आप लोग को बता दिया इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे। अभी और भी फीचर्स इसके होंगे दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कुछ इस तरह से इसके फीचर्स होंगे, जो कि फन टच ओएस का, जो फन टच ओएस का जो कि आप लोग को कुछ इस तरह से लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है फन टच ओएस का लोगो जो होगा इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और नीचे आप लोगों को जैसे बताया जैसे फीचर इसमें अच्छे देखने को मिलेंगे, एंड्रॉयड 10 से भी बेटर होगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता, जो कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिला था सभी फ़ोन में, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट आएगा उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन आएगा तो उसमें भी आने के बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जब आएगा एंड्रॉयड 11 फन टच ओएस 11 का अपडेट मेरे पास, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसके फीचर्स आप लोग को बताया जैसे कि कुछ इस तरह से फीचर्स होंगे, और इसके जो कि कंट्रोल सेंटर ऊपर से आप लोग को देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल से, लेकिन फ़िलहाल तो अभी नहीं है मेरे में, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन से आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि कंट्रोल सेंटर यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस तरह से होगा दोस्तों एंड्रॉयड 11 का फीचर्स। जब आएगा एंड्रॉयड 11 अपडेट तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।